बिहार का दूसरा सबसे बड़ा डेंटल कॉलेज है। वेलकम बैक टू द चैनल एक बार फिर से, मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस यार अभी आप देख सकते हो मैं हूं धमौली से आगे बागन बीघा के पास, जो फ्लाईओवर तैयार किया जा रहा था उसके ऊपर, जो कि बख्तियारपुर रजौली फोर लेन रोड का ही पार्ट है, जिसका अपडेट कल ही मैंने आपको दिखाया भी है। तो आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर लिंक है वहां से देख सकते हैं। खैर गाइस बात करूं यहां तैयार किए गए इस गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल की, तो आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से इसे यहां तैयार किया गया है। वैसे आपको मैं बता दूं कि इस डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओपनिंग जो है वो ऑलरेडी पिछले साल मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो चुकी है और यहां ये हॉस्पिटल एंड कॉलेज चालू भी हो चुका है, लेकिन उस टाइम इसके कुछ पार्ट जो थे उन्हें तैयार किया जाना बाकी था, जो अब पूरी तरह से यहां पर कंप्लीट आप देख पा रहे होंगे। वैसे मैं इधर आया था तो सोचा कि आपको भी बिहार के सबसे बड़े डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक ड्रोन शॉट में आपको दिखा दूं। तो आइए पहले आपको इसका एक शानदार सा ड्रोन शॉट दिखाता हूं और फिर मैं आपको इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड कॉलेज के बारे में पूरी डिटेल दूंगा। तो गाइज यहाँ आप इस ड्रोन शॉट में देख सकते हैं, ये रहा आपने बिहार का दूसरा सबसे बड़ा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे पूरी तरह से यहाँ तैयार कर लिया गया है। देख सकते हैं अभी हमें बख्तियारपुर रजौली वाले फ्लाईओवर के ऊपर, और गाइस बात करूं अगर मैं यहाँ इस गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की, तो आप देख सकते हैं ये रहा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बागन बीघा नालंदा। तो गाइज अब बात करूं यहां तैयार किए गए डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, तो आपको मैं बता दूं कि पटना के बाद ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जो कि नालंदा जिले के बागन बीघा में पड़ता है और पटना से इसकी दूरी 70 किलोमीटर की है। बट ये नालंदा और आसपास के जिलों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है। आपको मैं बता दूं कि 20 एकड़ में फैले इस कैंपस को तैयार करने में 410 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जहां न सिर्फ डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बल्कि जनरल बीमारियों के इलाज के लिए भी यहां अलग से बिल्डिंगें तैयार की गई हैं। और गाइज इसके अलावा भी आपको यहां बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो पहले बात करूं यहां डेंटल कॉलेज की, तो 100 सीटों की कैपेसिटी वाला ये डेंटल कॉलेज, जिसकी एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो पिछले साल ही शुरू कर दी गई है। साथ ही यहां आपको 100 बेडों वाला डेंटल हॉस्पिटल भी देखने को मिलेगा, और इतना ही नहीं अब यहां पर ओपीडी की जो सुविधा उसे भी चालू कर दिया गया है। साथ ही इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि हॉस्पिटल के चालू होने के बाद जो काम यहां पर चल रहा था उसमें अलग से सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए यहां पर अलग से हॉस्पिटल भी तैयार किए जा रहे थे, जिसका काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, जिसके अंदर आपको 100 बेडों वाले हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे। बाकी आप यहां की तस्वीरें देख सकते हैं। और गाइज इसके अलावा यहाँ डेंटल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए हॉस्टल की भी सुविधा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल के लिए अलग अलग बिल्डिंगें तैयार की गई हैं, जहाँ पर उनके रहने की प्रॉपर व्यवस्था की गई है, और साथ ही डॉक्टर और नर्स के लिए भी रेसिडेंट अपार्टमेंट यहाँ पर तैयार किए गए हैं। यानी हर मामले में ये जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल खड़ा उतरता है। यहाँ आपको हाईटेक इक्विपमेंट, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, वो भी सेंसर बेस्ड लाइटिंग सिस्टम के साथ। इसके अलावा सुरक्षा के लिए पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और साथ ही यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियम भी तैयार किया गया है। और यहाँ इस ड्रोन शॉट में भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत इसका कैंपस है और कितनी खूबसूरती से इसे डिज़ाइन किया गया है। साथ ही बीचों बीच ग्रीनरी के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस छोड़े गए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर कई सारे ब्लॉक भी देखने को मिल जाएंगे, तो जो मेन हॉस्पिटल है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके अलावा एक यहाँ पर भी हॉस्पिटल ब्लॉक जो है यहाँ पर ये तैयार किया गया है। और गाइस काम की अगर मैं बात करूँ तो पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट कर लिया गया है, और इंटीरियर का काम भी लगभग कंप्लीट है। वैसे कुछ वर्कर पीछे के साइड आपको काम करते हुए भी देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा सामने आप देख सकते हैं वो जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, वो उसके बगल से जो रेजिडेंशियल है वो सारा कुछ यहाँ पर शुरू हो जाता है, और जो यानी जो डॉक्टर वगैरह के रहने के लिए जो है वो आपको इधर देखने को मिलेंगे। और ये काफ़ी शानदार सा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ बख्तियारपुर के पास तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा इसका गेट नंबर 1, और यहाँ से भी आपको एंट्री देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक गेट उस तरफ और एक गेट आपको आगे की साइड देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ तैयार किए गए ये गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ना सिर्फ नालंदा जिले के लोगों के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए काफी गर्व की बात है, और पटना के बाद ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जहाँ पर ना सिर्फ डेंटल हॉस्पिटल बल्कि हर तरह के बीमारियों के इलाज के लिए आपको यहाँ सुविधाएं देखने को मिलेगी। और गाइज अब बिहार सरकार भी पूरे जिले के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और कॉलेजेस हैं उनके रिनोवेशन पर पूरा ध्यान दे रही है, जो कि वाकई में बहुत अच्छा और काफी
ही जरूरी फैसला है, बट अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां तेजी से इसे पूरे करने की जरूरत है। सो आई होप कि जल्द से जल्द जितने भी बाकी के बचे हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन पर भी इस तरह से ध्यान दिया जाए और उन्हें भी एक बेहतरीन हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया जाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था यहाँ पर इस गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नालंदा के चल रहे काम का अपडेट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पटना और बिहार से जुड़ी ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।